चलिए भाई, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम चैनल पर। मैं हूँ विकास सोमवंशी और एक बार फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं भाई नए सेशन में, जिसमें हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। सब मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाओ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से आ जाइए सभी लोग भाई, सब लोग मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाओ। लिंक को शेयर कर दिया करो, अपने यार दोस्तों को बुला लिया करो भाई, ठीक है? जल्दी से आ जाओ सभी लोग। मैं है ना, मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा होगा, एक बार मुझे यस सर करके बता दीजिए सभी लोग, मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा होगा, उम्मीद है आप सभी लोगों को, ठीक है? चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और आते रहेंगे बाकी सारे बच्चे, ठीक है? वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना भाई और शेयर कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर दिया करो बेटा, अपने यार दोस्तों के साथ लाइक और शेयर कर दिया करो, ठीक है? तो बैंक और एसएससी दोनों के रीजनिंग में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। विकास सोमवंशी मेरा नाम है, 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है मेरे पास, मेरे पढ़ाए गए बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हो गए हैं भाई, तो मैं निश्चित तौर पर आपकी मदद कर पाऊंगा। यहाँ पर मैं बात करता हूँ अनएकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। अनएकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको क्या क्या मिलता है, ध्यान से सुनिए। लाइव क्लासेज आपको मिलती है, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलते हैं बेटा, ठीक है? उसके बाद मेरा कोड अगर आप यूज कर लेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है बेटा, समझ में आ रहा है? मेरा कोड यूज कर लेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? और आपके प्रोफाइल में जब भी आप जाएंगे तो आपको हेड्स कुछ मिलती हैं, आप उनको भी मुझे डेडिकेट कर सकते हैं, और आपके अकाउंट में कॉइन्स भी आते हैं जिनको आप अनएकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यूज कर सकते हैं बेटा, समझ में आ रहा है? उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि अनएकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको क्या क्या मिलता है। सभी टॉप एजुकेटर्स की सारी क्लासेस को आप कर सकते हैं बेटा, समझ में आ रहा है, ठीक है? उसके बाद वीकली रिवीजन आपका होता रहता है, डाउट क्लियरिंग क्लासेज आपकी होती रहती है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज चलती रहती है और सही गाइडेंस आपको मिलता रहेगा बेटा, समझ में आ रहा है? आगे हम लोग बढ़ जाते हैं जल्दी से। अनएकेडमी का लर्निंग ऐप आप सभी लोगों को डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर में जाइए, अनएकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए बेटा, ठीक है? और उसके बाद बैंक कैटेगरी में मेरा नाम सर्च करिए और मुझे फॉलो कर लीजिए। जैसे ही मुझे फॉलो करते हैं मेरे द्वारा लगाई गई क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा बेटा। विकास सोमवंशी मेरा नाम है, सर्च करिए और मुझे फॉलो कर लीजिए बेटा, समझ में आ रहा है, ठीक है? मोबाइल नंबर या ईमेल से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और आगे बढ़ जाना होता है भाई। एसएससी, बैंक, रेलवे, जो भी आपका गोल हो इसको सेलेक्ट करिए और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए, और एस 12 महीने या 24 महीने का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एस विकास 10 मेरा कोड यूज कर लेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा, समझ में आ रहा है? कोड अप्लाई कर दीजिए जो है, और चेक जरूर कर लीजिएगा कि अप्लाई हो गया कि नहीं हो गया। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करिए और नॉर्मल सा पेमेंट मेथड है बेटा, आराम से आप पेमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा प्रोफाइल आपको कुछ अनअकैडमी पे इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, ठीक है? फॉलो करने का ऑप्शन आपको मिलता है, इस तरीके से मुझे फॉलो कर लीजिए। और आप जब अपने प्रोफाइल में जाते हैं बेटा तो आपको हेड्स दिखाई पड़ती है, उन हेड्स को आप मुझे डेडिकेट कर सकते हैं, ठीक है? ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, मेरा भी जो है मॉरल बढ़े भाई, ठीक है? तो हर महीने की 18 तारीख को आपका एक एग्जाम होता है बेटा, जो कि अभी आईबीपीएस क्लर्क प्री को आधार मानकर किया जा रहा है, ठीक है? आप जो है इस टेस्ट को दे सकते हैं। कैसे करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, ठीक है? जाइए और इसको भर दीजिए। ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है, और टॉप रैंकर्स को जो है वो अमेजन के वाउचर्स मिलेंगे रेस्पेक्टिवली, ठीक है? 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 एंड 1,000 के रेस्पेक्टिवली अमेजन के वाउचर्स मिलेंगे, जिन्हें आप लोग यूज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और अपने आप को इनरोल कर देना है भाई, इनरोल कर दीजिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए और इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए भी, ठीक है? तो मेरा शेड्यूल आपके सामने है इस वक्त, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रेगुलर मेरी क्लासेस में आ सकते हैं, ठीक है? सुबह 8 बजे वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम्स पर, 10 बजे अनएकेडमी स्पेशल पर, 1 बजे अनएकेडमी प्लस पर, 3 बजे वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स पर। उसके बाद वीकेंड के सेशन में भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, समझ में आ रहा है? चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी मेरे प्यारे बच्चों पढ़ेंगे समझेंगे आपको, ठीक है? ये एक सभी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, ये जब भी आप इस क्लास को देख रहे होंगे, ठीक है? तो ये एक लाइव क्लास नहीं है बेटा, ये एक रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है? और उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे और मैं निश्चित तौर पर आपके सवाल का जवाब बाद में दूंगा, बाद में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? चलिए भाई, तो अगली 2-3 क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, आप लोग डेली आए और क्लासेस को करें उसके बाद, ठीक है? थर्सडे से शायद अप्रोक्स में लाइव क्लास आपको मिलेगी, ठीक है? चलिए
तो ट्रेन का रिलेशन जैसे पैसेंजर से है, वैसे ही एरोप्लेन का रिलेशन किससे है बेटा? ट्रेन में बैठने वाले जो है वो यात्री कहलाते हैं, तो हवाई जहाज में बैठने वाले एरोनॉट कहलाते हैं, यानी वैमानिक कहलाते हैं बेटा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इसमें आपको क्या करना है समझिए ध्यान से सभी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए जल्दी से देखते हैं भाई करेंगे इसको कैसे करना है। तो पहले मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि मैं सही तरीके से आपको समझा पाऊँ। 3, 15, 19 ब्रैकेट बंद कर दीजिए, उसके बाद तुम्हारा हो गया यहाँ पर 8 और यहाँ पर हो गया 6। अब बताना है हमें क्या आंसर आएगा। तो माइनस की जगह हमें क्या लिखना है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, माइनस की जगह हमें लिख देना है इनटू, उसके बाद डिवाइड, डिवाइड की जगह क्या लिख देना है हमें प्लस। आप देख रहे हैं ऊपर उसने पलट दिया है साइन की, इसका मतलब ये है। इसी तरीके से इनटू का मतलब क्या है बेटा? डिवाइड है, ठीक है। और प्लस का मतलब क्या है बेटा? प्लस का मतलब है माइनस। क्लियर है? तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो 15 * 3 = 45 और अगर हम 19 को जोड़ेंगे, तो 45 और 19 को अगर हम जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 9 * 5 = 14, 4 * 4 = 5 = 6, ये हो जाएगा तुम्हारा 6। तो 64 को जब हम 8 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 8, यानी इतने पूरे का आंसर आ गया 8। और 8 में से जब हम 6 घटा देंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फिर से एनालॉगी का क्वेश्चन है, समझते हैं ध्यान से क्या बोला जा रहा है। कॉलेज का जो मेन होता है, कॉलेज का जो प्रधान होता है उसे हम डीन बोलते हैं बेटा। कॉलेज का जो सबसे बड़ा अधिकारी, जो डीन जो मतलब उसको मैनेज करता है, कॉलेज का सबसे बड़ा जो कि डिसीजंस लेता है वो डीन कहलाता है। इसी तरीके से म्यूजियम में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो म्यूजियम जिसके हाथ में होता है, ठीक है, म्यूजियम का जो प्रधान होता है वो क्यूरेटर कहलाता है बेटा। समझ में आ रहा है? क्यूरेटर इज द राइट आंसर। म्यूजियम का जो प्रधान होता है वो क्यूरेटर कहलाता है बेटा। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। और फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व करते हैं इसको फिर से। 8, 7, 40, 8 और 2। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, इनटू का मतलब क्या होगा बेटा? प्लस होगा। माइनस का मतलब क्या होगा बेटा? इनटू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो प्लस का मतलब क्या है बेटा? प्लस का मतलब है डिवाइड, यानी ये भाग हो जाएगा। और डिवाइड का क्या मतलब है बेटा? माइनस हो जाएगा। यानी सबसे पहले हम बॉड मास लगाएंगे, आप सभी लोगों को पता है बॉड मास का मतलब क्या होता है, ठीक है। बॉड मास आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्सट्रैक्शन बेटा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले बॉड मास लगाएंगे भाई, डिवाइड करेंगे। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 को जब हम 7 से गुणा करेंगे, इसको इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 को जब हम 7 से गुणा करेंगे तो 35 आएगा, 35 में जब हम 7 को जोड़ेंगे तो 43 आएगा, और जब 43 से हम 2 को माइनस कर देंगे तो 41 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से, कहीं कोई दिक्कत समस्या आपको महसूस होने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग जल्दी से आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए बेटा, ये एक रिकॉर्डेड क्लास है, अगर आपको कोई दिक्कत समस्या महसूस होती है तो निश्चित तौर पर आप कमेंट करिए और मैं आपके कमेंट का जवाब बाद में दूंगा बेटा, जैसे ही मैं कमेंट को देखूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली, इसी तरीके से पाकिस्तान की राजधानी को आपको यहां पर लिखना है। और आप सभी को पता है कि पाकिस्तान की राजधानी रावलपिंडी नहीं है, पेशावर नहीं है, लाहौर नहीं है, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो इस्लामाबाद इज द राइट आंसर। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको बात समझ में आ रही होगी। और अगला फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। फिर से हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, क्या करेंगे फिर से मैं आपको अलग लिख के दिखाता हूँ। 15 यहाँ हो गया तुम्हारा, 2 यहाँ हो गया तुम्हारा, 900 यहाँ हो गया तुम्हारा, 90 यहाँ हो गया तुम्हारा, 100, ठीक है। तो माइनस का क्या मतलब है बेटा? जल्दी से देख लो, इनटू हो गया। उसके बाद डिवाइड का क्या मतलब है बेटा? जल्दी से देख लो बेटा, प्लस हो गया। उसके बाद तुम्हारा प्लस का मतलब क्या हो गया बेटा? डिवाइड हो गया। और इनटू का क्या मतलब हो गया बेटा? माइनस हो गया। क्लियर है? तो पहले डिवाइड वाले को सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा कि नहीं आएगा? 10। अब 15 * 2 कितना हुआ बेटा? 30। और 30 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 40। और 40 - 100 अगर हम लिखते हैं तो आंसर आता है -60। और -60 यहाँ पर ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज आंसर आ गया। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, कहीं भी कोई दिक्कत समस्या महसूस नहीं हो रही होगी। अगर फिर भी आपको कहीं पर कोई दिक्कत समस्या महसूस होती है, देन कमेंट ऑन दी कमेंट बॉक्स, ठीक है, एंड आई विल आंसर
आई विल आंसर यू लेटर, ठीक है। चल तो भाई अगेन बढ़िया सा क्वेश्चन है आपके सामने। अवारी यानी हाँ, इसको इंग्लिश में HODWDAH, ये वो है बेटा एलिफेंट के जो ऊपर रखा जाता है ना, जिसपे बैठा जाता है, ठीक है, एलिफेंट के ऊपर जिसपे बैठा जाता है बेटा, ठीक है, जिसपे दो तीन लोग बैठ सकते हैं, उसको ये बोलते हैं अवारी बोलते हैं बेटा, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से जब घोड़े पर सवारी करी जाती है तो भी किसी चीज को रख कर उस पर बैठा जाता है, जैसे जीन सैद बोलते हैं हिंदी में हम लोग, और इंग्लिश में सैडल बोलते हैं बेटा, सैडल SADDLE, सैडल इज द राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, अवारी को रखकर एलिफेंट पे सवारी करी जाती है और सैडल को रखकर घोड़े पर सवारी करी जाती है बेटा, समझ में आ रहा है। तो सैडल इज द राइट आंसर, क्लियर है ना, वेरी गुड। चलिए अगेन आप क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व करना है फिर से हमें, ठीक है। तो चलो भाई हम लोग देख लेते हैं। ऐसे बना ले पहले इसको ताकि मैं आपको सही तरीके से समझा पाऊं। फोर एट टू सिक्सटीन वन इंटू, इंटू का क्या मतलब है बेटा माइनस, इंटू का क्या मतलब है बेटा माइनस, और माइनस का क्या मतलब है बेटा डिवाइड, और इंटू इंटू का क्या मतलब है बेटा माइनस, ठीक। प्लस, प्लस का क्या मतलब है बेटा, देख लो जल्दी से, प्लस का मतलब है इंटू, यहां भी इंटू हो गया और तुम्हारा यहां भी इंटू हो गया, और डिवाइड, डिवाइड का क्या मतलब है बेटा, डिवाइड का मतलब है प्लस। तो पहले सॉल्व कर ले, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे भाई पहले, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 36 में से जब 4 घटाएंगे तो आंसर 32 आएगा कि नहीं आएगा, जब 32 आएगा और 8, 8 से इसको भाग कर देंगे तो 8 चौको 32, ठीक है। सभी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, ये 32 हो जाएगा, 32 में से जब हम 4 माइनस करेंगे, सॉरी 8 चौको 32 4 आएगा, जब हम 4 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0, ठीक है। और अगर किसी भी संख्या के ऊपर 0 आ जाता है, ठीक है, अगर किसी भी संख्या के ऊपर 0 आ जाता है, नीचे कुछ भी आएगा, अगर किसी भी संख्या के ऊपर 0 आ जाता है तो आंसर 0 ही तो आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल अच्छे से आपको बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग जल्दी से जो है सॉल्व करें और आंसर जो है मुझे बताते रहे, कमेंट करते रहे बेटा मुझे, क्लियर है ना। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत समस्या महसूस होती है, ठीक है, तो निश्चित तौर पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं निश्चित तौर पर आपके आंसर का जवाब दूंगा बेटा, ठीक है। चल ये मेरा रेगुलर शेड्यूल है, अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगती है, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको समझ में आता है, सबसे बड़ी बात है मेरी क्लास में आपको समझ में आता है, ठीक है, तो निश्चित तौर पर आप मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 8 बजे हम लोग मिलते हैं वाईफाई स्टडी SSC एग्जाम चैनल पर, 10 बजे हम लोग मिलते हैं अनएकेडमी स्पेशल पर, 1 बजे हम लोग मिलते हैं अनएकेडमी प्लस पर, 3 बजे मिलते हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स पर, उसके बाद वीकेंड के सेशन में भी हम लोग मुलाकात करते हैं, ठीक है। और वीकेंड के सेशन के बारे में मैं आपको फ्राइडे से पहले पहले बता देता हूँ बेटा, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको पढ़े समझे और आंसर करें बेटा। पेंट्री, ठीक है, पेंट्री में हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है, पेंट्री में एक स्टोर होता है, ठीक है। इसी तरीके से बर्तन मांजने की जगह, बर्तन मांजने की जगह कहाँ होती है बेटा, रसोई में होती है, समझ में आ रहा है, कहाँ होती है बेटा, रसोई, किचन इज द राइट आंसर, किचन इज द राइट आंसर, क्लियर है, ठीक। चलिए फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है तो हम लोग फिर से सॉल्व कर लेंगे भाई इसको, ठीक है। तो इंटू का मतलब क्या है भाई, हम लोग लिख लेते हैं भाई, इंटू इंटू का मतलब है डिवाइड मीन्स माइनस, तो इसका मतलब माइनस हो गया भाई, और माइनस मीन्स एडिशन, तो माइनस का मतलब एडिशन यानी यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है। और डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है भाई, चेक कर लो भाई, डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, तो डिवाइड का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, ठीक है। और प्लस, प्लस का मीन्स क्या है भाई, फिर से चेक कर लो, प्लस मीन्स डिवाइड, ठीक है, प्लस
प्लस मीन्स डिवाइड, यानी यहाँ डिवाइड लग जाएगा, और माइनस माइनस इंटू इंटू हो जाएगा। सभी लोग ध्यान से देखो बेटा, ये ब्रैकेट यानी ये जो बड़ा ब्रैकेट आपको दिख रहा है, बड़े ब्रैकेट के बाद लिखा है डिवाइड, और डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। उसने लिखा है डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इंटू। और अगर किसी संख्या को जीरो से गुणा कर दिया जाए तो आंसर जीरो ही तो आएगा बेटा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी ही आएगा। बिल्कुल अच्छे से बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ रहा है। चलिए, वेरी गुड। सा, एस ए डब्ल्यू, सा माने क्या होता है, आरा। आरा मशीन आपने देखी होगी, जो लकड़ी वगैरह, लकड़ी जहां काटी वाटी जाती है वहां आरा जो होता है उसे बोलते हैं सॉ। यानी कारपेंटर क्या करता है, आरे का यूज करता है अपना काम करने के लिए। कारपेंटर क्या यूज करता है, आरे का यूज करता है अपना काम करने के लिए। इसी तरीके से टेलर अपना काम करने के लिए क्या यूज करता है, ठीक है, कौन सा औजार यूज करता है, नीडिल यूज करता है बेटा। समझ में आ रहा है, क्या यूज करता है, नीडिल यूज करता है। तो नीडिल इज द राइट आंसर, औजार के रूप में क्या है वही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए सभी लोग सॉल्व करें। चलिए सॉल्व करिए भाई, क्या आंसर है इसका। सभी लोग देखिए, चुनाव, चुनाव से पहले चुनाव का क्या होता है बेटा, घोषणा पत्र होता है, ठीक है इसी, ठीक है, घोषणा पत्र यानी चुनाव में हम क्या क्या करेंगे ये सब, है ना। इसी तरीके से मीटिंग से पहले मीटिंग का क्या किया जाता है बेटा, एजेंडा होता है। कोई भी मीटिंग होती है उसका एजेंडा होता है, कि एजेंडा क्या है, मीटिंग करने का तात्पर्य क्या है, आधार क्या है मीटिंग करने का, तो वो एजेंडा कहलाता है बेटा। तो एजेंडा इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़िए, सभी लोग समझिए, आंसर करिए जल्दी से। सभी लोग पढ़िए समझिए और आंसर करिए। शोल्डर, फुट, एल्बो, आर्म्स और फिंगर। इसमें से अलग जो है वही आपका आंसर है। शोल्डर माने क्या होता है बेटा, कंधा, कंधा ये लिखा है। फुट माने होता है पैर, एल्बो माने होता है कोहनी, आर्म माने होता है भुजा, और फिंगर्स माने होता है उंगलियां, ठीक है। तो फूट इज द राइट आंसर, क्योंकि बाकी सभी जो है वो हाथ के पार्ट है, लेकिन फूट बिल्कुल अलग है। फूट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कहीं कोई दिक्कत समस्या अगर आपको महसूस होती है तो मैं फिर से एक बार कहता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा कमेंट में कमेंट आपको देखकर और बिल्कुल जवाब दे दूंगा आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टन्स, क्विंटल, ग्राम, किलोग्राम और किलोमीटर, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है इस वक्त, ठीक है। यहाँ ये सारी चीजें वजन नापने के लिए काम आती है, ग्राम, किलोग्राम, वजन नापने के लिए ये सारी चीजें काम आती है, वेट नापने के लिए, क्लियर है बेटा, ठीक है। लेकिन किलोमीटर से लंबाई नापी जाती है, लेंथ नापी जाती है, ठीक है। तो ये किलोमीटर बिल्कुल अलग जवाब हो गया। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से पढ़े सभी लोग, जल्दी से आंसर करें बेटा। जियोमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक, दीज आर द पार्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। ये सभी जो है वो मैथमेटिक्स की अलग अलग ब्रांचेस हैं, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैथमेटिक्स हमारा राइट आंसर है, क्योंकि हमें यहाँ पर डिफरेंट ढूंढना था बेटा, जो भी डिफरेंट था वही हमारा आंसर था। तो ये मेरा शेड्यूल एक बार फिर से आपके सामने है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से। जिन बच्चों को मेरी क्लास अच्छी लगती है वो रेगुलर मेरी क्लासेस में आ सकते हैं, ठीक है, और रेगुलरली मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। सुबह 8 बजे मुझे ज्वाइन करेंगे आप लोग वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम्स पर, 10 बजे आप लोग मुझे ज्वाइन करेंगे अनअकैडमी स्पेशल पर, 1 बजे आप लोग मुझे ज्वाइन करेंगे अनअकैडमी प्लस पर, 3 बजे मुझे ज्वाइन करेंगे वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पर। उसके बाद वीकेंड के सेशन में भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए भाई,
ये मेरा कोड है, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, SVikas10 मेरा कोड है, आप लोग इसको यूज कर लेंगे तो अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है? मैं कई बार आपको बता चुका हूँ अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने पर बहुत फायदे हैं, जल्दी से जल्दी ले डालिए भाई, बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी यहाँ पर, फीस बढ़ने वाली है तो जल्दी से जल्दी ले डालें बेटा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने यार दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके भाई, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का मेरी क्लास में आने के लिए, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, दिल से धन्यवाद है भाई, ठीक है। सेशन को फिर आज यहीं पर समाप्त करते हैं भाई, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है आने के लिए भाई। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।